विस्कोसिटी कोई चैप्टर नहीं है, विस्कोसिटी एक प्रॉपर्टी है। विस्कोसिटी एक लिक्विड की प्रॉपर्टी है जो क्या बताती है। विस्कोसिटी ये बताती है कि जब कोई लिक्विड मूव करता है कहीं पाइप में या रिवर में या कहीं पर भी, उसके अंदर एक फ्रिक्शनल फोर्स डेवलप हो जाती है। हमने आज तक कभी पानी की या लिक्विड की फ्रिक्शन की बात नहीं की, ना हमने एयर की रेजिस्टेंस की कभी बात की। अब आने वाली है एयर और लिक्विड की फ्रिक्शंस कैसे हैंडल करते हैं। तो जब भी लिक्विड मूव करता है तो उसके अंदर एक फ्रिक्शनल फोर्स डेवलप हो जाती है जो उसके फ्लो को रोकती है, उसकी मोशन को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करती है, और वो चाहती है कि लिक्विड आगे ना मूव करे। किसी लिक्विड में ये प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा होती है और किसी में बहुत कम होती है। जिसमें ज़्यादा होती है हम बोलते हैं कि विस्कस लिक्विड है, इसकी विस्कोसिटी ज़्यादा है। जिसमें कम है हम बोलते हैं नॉन विस्कस लिक्विड है, इसकी विस्कोसिटी कम है। जैसे आप एक बाल्टी भर लो पानी की, और मैंने कहा एक काम करो आप इस बाल्टी को फेंक दो ग्राउंड पे। आपने एक मिनट लगाया पानी तो एकदम एक बूंद भी ना बचा। अब मैंने कहा ठीक है एक्सपेरिमेंट नंबर टू, आप इसमें शहद भर लो, अब गेरो। उल्टा कर दोगे ना छुड़ाना मुश्किल हो जाएगा, चिपका रहेगा और मूव करने को तो बिल्कुल भी तैयार नहीं है। इतना हैवी विस्कस लिक्विड है, खतरनाक विस्कस लिक्विड है, मतलब चलने को ही तैयार नहीं है। तो मोटर भी लगा दोगे ना मोटर खराब हो जाएगी और शहद नहीं पाइप में जाने वाला, ये भी मैं आपको बता दूं। तो मतलब कहने का मतलब ये बहुत स्ट्रांग विस्कस लिक्विड है, इसके अंदर इंटरनल फोर्सेस बहुत स्ट्रांग है। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि इंटरनल फ्रिक्शनल फोर्स आ कैसे रही है। आप इमेजिन करें एक मिनट के लिए कि आप सब, ये रूम नहीं है ये पाइप है, और हम सब स्टूडेंट्स नहीं हैं, हम यहाँ पर पानी के पार्टिकल्स हैं, लिक्विड के पार्टिकल्स हैं, और हम सब ने भागना है क्योंकि हमें कहा गया भाई पाइप में भागो। हम भागने लगे और हम सब ने एक दूसरे का हाथ पकड़ रखा है, और छोड़ना भी नहीं है क्योंकि लिक्विड के अंदर मॉलिक्यूल्स में अट्रैक्शन फोर्सेस होती हैं। तो एक मॉलिक्यूल तेज़ भागने की कोशिश कर रहा है और दूसरा कह रहा है मैं और तेज़ नहीं भागूंगा। अब उसकी मर्जी है भाई, नहीं भागता, हो सकता है कि वो उस वॉल के कॉन्टैक्ट में हो सकता है वो ग्राउंड के कॉन्टैक्ट में, नहीं भाग पा रहा, दूसरा तेज़ भाग रहा है। अब देयर इज सम रिलेटिव मोशन। तेज़ भागने वाला मॉलिक्यूल क्या कर रहा है, उसको स्लो भागने वाला मॉलिक्यूल अपोज कर रहा है, और इनमें क्या डेवलप हो रही है, फ्रिक्शन। तो देयर इज सम रिलेटिव मोशन, यानी कि पानी के या लिक्विड के कुछ मॉलिक्यूल्स तेज भागना चाहते हैं और कुछ कम तेज भागते हैं, कुछ और कम तेज भागते हैं, कुछ और कम तेज भागते हैं, तो आपस में क्या डेवलप करते जाते हैं, फ्रिक्शन। अगर सारे के सारे इकट्ठे मूव करें फिर ना ही फ्रिक्शन, फिर फ्रिक्शन बहुत कम है क्योंकि फिर तो कोई अपोजिंग फोर्स है ही नहीं। तो आपस में मॉलिक्यूल्स ही एक दूसरे को क्या करते जाते हैं, अपोज करते जाते हैं, जिस वजह से इंटरनल फोर्स क्रिएट हो जाती है, और किसी में तो ये बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाती है और वो लिक्विड एक विस्कस लिक्विड कहलाता है। तो कॉन्सेप्ट मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन ही है, फ्रिक्शन का भी सेम कॉन्सेप्ट था। एक सॉलिड को आपने ग्राउंड पे रखा तो उनकी मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन हैं जो फ्रिक्शन को डेवलप कर जाती हैं। तो विस्कोसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लूइड बाय वर्च्यू ऑफ विच एन इंटरनल फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम्स इनटू द प्ले, अंदर की फोर्स आ गई। व्हेन अ फ्लूइड इज इन मोशन, जब वो मोशन में है, विच अपोजिज रिलेटिव मोशन बिटवीन डिफरेंट लेयर्स। डिफरेंट लेयर्स का मतलब क्या है, अब क्योंकि लिक्विड या फ्लूइड के अंदर तो करोड़ों मॉलिक्यूल्स हैं, मैं करोड़ों मॉलिक्यूल्स की मैथमेटिकल इक्वेशन थोड़ा बना लूंगा, तो मैं ये मानता हूँ कि लिक्विड लेयर्स की फॉर्म में मूव कर रहा है। ये टॉप की लेयर है, टॉप के मॉलिक्यूल्स हैं, फिर नीचे की लेयर है, फिर नीचे की, फिर नीचे की, फिर नीचे की, फिर नीचे की, फिर नीचे की। और अगर आप ग्राउंड के साथ इस लिक्विड को मूव करवाओ तो याद रखना जो अपर सरफेस है उसकी वेलोसिटी हमेशा मैक्सिमम होती है, फिर कम होती जाती है, कम कम कम, इसकी तो बहुत ही कम, ऑलमोस्ट जीरो होती है, क्योंकि ये तो सॉलिड के साथ भी रगड़ खा रहा है, सॉलिड इसको मूव नहीं करने दे रहा, ऊपर से लिक्विड का प्रेशर बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, वो वैसे मूव नहीं कर पा रहा यहाँ भी, क्योंकि नीचे आते आते प्रेशर भी बढ़ता जाता है। तो नीचे यहाँ ये लिक्विड इसको मूव नहीं करने दे रहा, सॉलिड मूव नहीं करने दे रहा, तो ये तो बेचारा मूव ही नहीं कर पाता। तो जब भी रिवर में पानी जाएगा, तो कहीं भी ट्रिब्यूटरी में पानी जाएगा, सबसे तेज सरफेस के ऊपर होगा, और अगर आप बिल्कुल नीचे चले जाएंगे पानी की स्पीड ऑलमोस्ट जीरो होगी। आप सी की बात कर रहे हो, आप समुंदर में चले जाओ, ऊपर से लहरें चल रही हैं, पानी चल भी रहा है, लेकिन नीचे जाते जाओगे तो आपको स्टिल दिखेगा।
आपके सामने ही है, क्योंकि नीचे जाते जाते प्रेशर बढ़ता जाता है, पानी की मूवमेंट बहुत स्लो हो जाती है और एंड में तो होनी बंद हो जाती है। तो इनमें रिलेटिव मोशन है, मतलब क्योंकि हमने ऐसे अज्यूम किया इसकी वेलोसिटी सभी मॉलिक्यूल्स की ज़्यादा है इनसे, पर आपस में बंधे तो हुए ही हैं, आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो है ही है, तो यहाँ पर फ्रिक्शन डेवलप हो जाएगी इनके बीच में, फिर इसमें भी, फिर इसमें भी, इसमें भी, हर में हो जाएगी। तो ये फ्रिक्शन किसी में बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाती है और ये फ्रिक्शनल फोर्स मोशन को अपोज करती जाती है और वो लिक्विड विस्कस कहलाता है। और ये मोशन को क्या करती है, इट हैज अ टेंडेंसी टू डिस्ट्रॉय इट्स मोशन। तो इसके अंदर डेंसिटी तो एक ऐसी चीज़ है ना कि मास कितने वॉल्यूम में अपने दबा के रखा हुआ है, और ये विस्कोसिटी है, विस्कोसिटी तो लिक्विड की फ्रिक्शनल फोर्स बताती है किसमें फ्रिक्शनल फोर्स ज़्यादा है, डेंसिटी तो फ्रिक्शनल फोर्स बता ही नहीं रही, वो तो सॉलिड की भी है और सॉलिड की विस्कोसिटी तो है ही नहीं ना, इसके कौन सा मॉलिक्यूल मूव करने वाले हैं, जो लिक्विड की प्रॉपर्टी है, डेंसिटी तो ओवरऑल ही प्रॉपर्टी है। तो ठीक है, दोनों की अलग अलग प्रॉपर्टी है, दोनों का अलग अलग काम है, लेकिन ये डेंसिटी से इसका कोई लेना देना नहीं है कोई भी। ठीक, तो हाँ, अब क्वेश्चन अगला यही है कि फ्रिक्शन की वैल्यू कैसे निकलती है, कि किस लिक्विड में कितनी फ्रिक्शन है, उसको डिस्कस करते हैं। लेकिन उससे पहले एग्जांपल ऑफ विस्कोसिटी, विस्कोसिटी लिक्विड में एग्जिस्ट करती है, विस्कस लिक्विड होते हैं। इसका पहला एग्जांपल है, आप एक कंटेनर में लिक्विड लें, उसको आप गोल 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 घुमा दें, घुमा के छोड़ दें, कुछ देर के बाद वो गोल घूमना बंद कर देगा और रेस्ट पे आ जाएगा। तो इसका मतलब क्यों रेस्ट पे आ रहा है, मैं तो रेस्ट पे लेकर नहीं आया, उसकी अपनी इंटरनल फोर्सेज हैं जो उसको रेस्ट पे लेके आ रही हैं और उसको रोक रही हैं, इसका मतलब अंदर विस्कोसिटी है। नेक्स्ट है, व्हेन वी स्विम इन अ पूल ऑफ वाटर, जब हम भी तैरते हैं पानी के अंदर, हम भी फील करते हैं कि तैरना इतना आसान नहीं है, या अगर मैं पानी के अंदर चलना शुरू करूं नीचे सरफेस पे तो चलना भी आसान नहीं है, क्योंकि पानी हमें क्या लगा रहा है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगा रहा है, वो फ्रिक्शन क्यों क्यों लगा रहा है, विस्कोसिटी है। नेक्स्ट है, वी कैन वॉक फास्ट इन एयर बट नॉट इन वाटर, क्योंकि एयर की भी विस्कोसिटी होती है, वैसे बता दूं हर गैस की होती है, एयर की भी होती है, पर एयर की विस्कोसिटी बहुत कम है, और अगर कहीं एयर की विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा होती, थिक होती एयर, बस फिर तो चलना औखा हो जाता, फिर तो मशीनों के साथ ही चलते, क्योंकि चलना भी मुश्किल है, भागना तो बड़ी दूर की बात है, पानी वाला हाल हो जाता यहाँ से वहाँ आने में, मतलब आप पानी के अंदर चल के देखो, तैर के देखो, पर इस तरीके से हाल हो जाता। तो थैंक गॉड जो एयर है उसकी विस्कोसिटी काफ़ी कम है। नहीं, विस्कोसिटी अलग प्रॉपर्टी है, इसका डेंसिटी से लेना देना नहीं है, उसका कोई लेना देना नहीं है उससे, ये प्रॉपर्टी ही अलग है। मतलब ठीक है, आप ये कह रहे हो वो डेंस होगा तो वो पास होंगे, पर हम इसको डेंसिटी से रिलेट नहीं करते, क्योंकि इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी है। मैं बिल्कुल भी नहीं कहूँगा कि अगर डेंसिटी ज़्यादा है तो विस्कोसिटी भी ज़्यादा है, फिर तो सही हो गया ना, फिर तो चैप्टर क्लोज करते हैं, फिर कह देते हैं डेंसिटी 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 कर लो, अगर डेंसिटी ज़्यादा है फ्रिक्शनल फोर्स भी ज़्यादा है, जबकि है ही नहीं। फ्रिक्शन होती होगी बट यहाँ मैथमेटिकल रिलेशन नहीं है हमारे पास इसके, बहुत ऐसे फैक्टर होते हैं, लेकिन वो सारे फैक्टर कौन कंसिडर करता है वो अभी दो मिनट दो वो बताता हूँ, वो कहाँ छुपे हो सकते हैं ये बताता हूँ। तो इसके अंदर अब हम ये डिस्कस करते हैं कि कोफिशेंट ऑफ विस्कोसिटी क्या है और ये फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू क्या है। कोफिशेंट ऑफ विस्कोसिटी क्या है, जिसका सिंबल आपको याद होगा, यूनिट्स एंड डायमेंशन के अंदर हमने ईटा लिया था, और हमने ये भी डिस्कस किया था उस टाइम भी, दोबारा बता देता हूँ कि किसी भी लिक्विड का ये वो कॉन्स्टेंट है ईटा, कि अगर किसी भी लिक्विड का ये कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी बढ़े तो वो थिक लिक्विड है, वो विस्कस लिक्विड है, और अगर ईटा छोटा है तो पतला लिक्विड है, इजी टू मूव है। वैसे बता दूं, पानी एक पतला लिक्विड है, आराम से पाइप में भागता जाता है, और हनी या ऑयल, ये जो आप ऑयल डालते हो, ये थोड़े थिक लिक्विड है, ये विस्कस लिक्विड है, इनको मूव करवाना ईजी नहीं है। ठीक है यहाँ तक, तो फ्रिक्शनल फोर्स कैसे निकलती है, इमेजिन करो कि आपके पास लिक्विड मूव कर रहा है, आप किन्हीं भी दो लेयर्स को कंसिडर कर लें जो कंजेक्टिव लेयर्स हैं, तो मान लेते हैं एक लेयर और दूसरी लेयर है, इस लेयर की वेलोसिटी अगर v है तो इस लेयर की वेलोसिटी v प्लस dv है। थोड़ा सा चेंज तो दिखाना पड़ेगा, अगर आपने थोड़ा चेंज नहीं दिखाया फिर कैसे एक्सप्लेन करोगे कि फ्रिक्शन है। तो फ्रिक्शन के लिए एक तेज और एक स्लो होना ज़रूरी है, और यही रीज़न है फ्रिक्शन होने का भी। तो एक आपने वेलोसिटी v ले ली और एक आपने v प्लस dv ले ली, और मान लो ग्राउंड से इसका डिस्टेंस अगर x है तो थोड़ा सा ऊपर लेना है, कितना ऊपर लेना है, dx। तो इन दो लेयर्स के बीच में डिस्टेंस कितना है, dx।
इन दो लेयर्स के बीच में वेलोसिटी का चेंज कितना है, इसमें से इसे माइनस करो तो कितना आएगा डीवी, और इसके अंदर दो लेयर्स में वेलोसिटी का चेंज बाय उनके बीच में डिस्टेंस को बोलते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट, कोई भी चीज़ डिवाइडेड बाय डिस्टेंस है तो ग्रेडियंट है, इसको बोलते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट। डीवी बाय डीएक्स इज नोन एज वेलोसिटी ग्रेडियंट। कभी कभी प्रेशर को डिस्टेंस से डिवाइड करते हैं तो प्रेशर ग्रेडियंट, तो ये वेलोसिटी ग्रेडियंट टर्म है। अब एक्सपेरिमेंटली ये चीज़ देखी गई है कि जो इनमें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो डिपेंड करती है एरिया ऑफ लेयर पे। जितना बड़ा लिक्विड का एरिया होगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उतनी ज़्यादा होगी, और जितना वेलोसिटी ग्रेडियंट बड़ा होगा डीवी बाय डीएक्स फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज़्यादा होगी। तो ये एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स हैं, ये दोनों पे प्रोपोर्शनल है, और अगर अब इन दोनों को कंबाइन कर दें तो फ्रिक्शनल फोर्स किस पे डिपेंडेंट है, एरिया इंटू डीवी बाय डीएक्स। और एक और चीज़ जिस पे ये फैक्टर डिपेंड करता है वो है नेचर ऑफ लिक्विड, जिसमें आप वो सारे फैक्टर्स बोल रहे हैं, तो वो नेचर ऑफ लिक्विड को कौन जस्टिफाई कर रहा है, ईटा कोफिशेंट ऑफ विस्कोसिटी। इसके अंदर ये कॉन्स्टेंट के अंदर बहुत चीज़ें छुपी होंगी जैसे आप बात कर रहे हैं, लेकिन हम उन डिटेल में नहीं जाते, हम यहाँ पर कॉन्स्टेंट ईटा बोलते हैं। इस ईटा को बोलते हैं कोफिशेंट ऑफ विस्कोसिटी। कोफिशेंट ऑफ विस्कोसिटी जिस भी लिक्विड का ज़्यादा है उसमें फ्रिक्शनल की फोर्स ज़्यादा है, और अगर कम है तो फ्रिक्शनल की फोर्स कम है। तो पहले तो बॉक्स में ही फॉर्मूले को डालो, F इज इक्वल टू माइनस ईटा ए डी वी बाई डी एक्स। आपके पी वाई क्यू के अंदर आप देखेंगे एनसीईआरटी की प्रॉब्लम डाल रखी है, अभी आप जब विस्कोसिटी स्टार्ट करेंगे बहुत ज़्यादा नहीं आती, पर जितनी भी आती है बहुत बेसिक आती है, तो आप ये चेक करेंगे इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो F इज इक्वल टू माइनस ए ईटा ए डी वी बाई डी एक्स, हम बात ही नहीं करेंगे, ये ओरिजिनल प्रॉपर्टी है ईटा, इसके अंदर क्या है बात ही नहीं करेंगे। अब जैसे एग्जांपल है स्प्रिंग कांस्टेंट, हम पढ़ते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट के होता है, अब स्प्रिंग कांस्टेंट किस पे डिपेंड करता होगा, लेंथ पे, नंबर ऑफ टर्न्स पे, उसके क्रॉस सेक्शन एरिया पे। अब उस डिटेल में हम नहीं जा रहे, हम कैसे स्टार्ट करते हैं, ऐसी ईटा से स्टार्ट होगा। इसका कभी भी ऐसा फॉर्मूला नहीं आएगा या क्वेश्चन नहीं आएगा कि अगर डेंसिटी ज़्यादा है तब बताओ क्या होगा, कुछ ना होगा, तुम्हें क्वेश्चन ही ईटा पे गिवन होगा, तो स्टार्ट ही ईटा से है। तो ये ईटा नेचर ऑफ लिक्विड पे डिपेंड करता है कि अगर दो नेचर अलग है लिक्विड की, दो टाइप के लिक्विड है तो ईटा डिफरेंट है। जो विस्कस लिक्विड है उनका ईटा बड़ा होता है, नॉन विस्कस लिक्विड जो पतले होते हैं उनका ईटा छोटा होता है। ईटा कोफिशेंट ऑफ विस्कोसिटी है, एंड इसके अंदर ये अंडरलाइन करो सीजीएस यूनिट ईटा के पॉइस हैं, पॉइस अंडरलाइन करो, हाईलाइट करो, सीजीएस यूनिट पॉइस है और एसआई यूनिट अंडरलाइन करो डेका पॉइस है। उल्टा लगता है, ऐसा लगता है कि पॉइस एसआई सिस्टम है ना, सीजीएस पॉइस है और एसआई सिस्टम डेका पॉइस है, और ये नोट करो 1 डेका पॉइस किसके इक्वल है, 10 पॉइस के इक्वल है, ये अंडरलाइन करो, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहां तक इस फॉर्मूले को लगाना कैसे है इसके लिए ना इस एग्जांपल पे आओ और इस एग्जांपल को एक बार पढ़ो, बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल यही है। तुम एक कर लो सारे एग्जांपल आपके एक मिनट में हो जाएंगे, बस ये आप एक बार एग्जांपल करो क्या गिवन है और कैसे लगाना है इसको देखो। देखो आपने कैसे इस क्वेश्चन को करना है, इसको ध्यान से देखना, मतलब कैसे मैं सोचता हूँ और कैसे करना है। वैल्यूज तो आप पुट कर ही लोगे, प्रॉब्लम वो नहीं है, पर आपने सोचना कैसे है। मेटल प्लेट जिसका एरिया गिवन है, चलो ये आपकी एक ब्लैक कलर की मेटल प्लेट है, इसका एरिया आपको दे दिया गया 0.10 मीटर का स्क्वायर।
कनेक्टेड टू 0.01 केजी मास, ठीक है सही है। तो इसका वेट कितना है 0.01 जी, इसका वेट है। वाई अ स्ट्रिंग दैट पासिस ओवर एन आइडल पुली, पुली के ऊपर ये पास कर रहा है। अ लिक्विड विद अ फिल्म थिकनेस ऑफ 0.3 mm इज प्लेस्ड बिटवीन प्लेट एंड टेबल। ये देख रहे हो ये एक फिल्म है, ये ऑयल की फिल्म है या लिक्विड की फिल्म है और इसकी थिकनेस गिवन है, और इसकी थिकनेस dx की वैल्यू कितनी गिवन है 0.3 mm गिवन है। ये थिकनेस है, इतनी मोटी थिकनेस के ऊपर ये प्लेट पड़ी हुई है। अब क्वेश्चन ये है व्हेन रिलीज, छोड़ दिया ये नीचे आया और प्लेट राइट गई और ये इसके ऊपर फिसलती हुई जाएगी, रगड़ खाती हुई जाएगी इस ऑयल या फिल्म के ऊपर, और ऑयल क्या लगाएगा फ्रिक्शन, वो तो खुद ही चलने, क्योंकि ऑयल को भी कहा जाएगा तू भी चल, ऑयल कैसे चलेगा, ऑयल चल ही नहीं पाएगा क्योंकि अंदर क्या डेवलप हो रही है फ्रिक्शनल फोर्स। तो अब क्वेश्चन है कि मैं ये चाहता हूँ कि जब रिलीज किया गया कॉन्स्टेंट वेलोसिटी 0.085 मीटर पर सेकेंड से इसने मूव करना शुरू किया और एक्सेलरेशन यानी कि क्या है पूरे सिस्टम की जीरो, तो बताओ ईटा क्या है, कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी क्या है लिक्विड की, ये बताओ, ये क्वेश्चन है। ठीक, पॉइंट क्लियर है यहां तक? तो इसको करने के लिए इस क्वेश्चन को कैसे इमेजिन करना है इसका प्लीज आप साथ साथ मेरे एक बार जरा डायग्राम यहां पे अपने बुकलेट में बना लें, ये न्यूमेरिकल ऐसे नहीं, आपको ऐसे देखना है जो मैं दिखा रहा हूं, बड़ा कर रहा हूं डायग्राम, ये लो। तो आपने इसको ऐसे करना है, ये आपकी एक फिल्म है, ये लो ये आपकी फिल्म है, और आपको इसका एरिया ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, मुझे वैल्यू बता दो एरिया की कितनी है 0.10 मीटर स्क्वायर, यही है। फिर यहाँ पे इसका वेट कितना है 0.01 जी है, यहाँ पे क्या डेवलप हो जाएगी टेंशन TNT डेवलप हो जाएगी, यहाँ पे टेंशन TNT डेवलप हो जाएगी कुछ ऐसे, राइट। अब क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है नीचे आने की, वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन क्या होगी जीरो, तो टी और ये टर्म बराबर है, तो टी किसके इक्वल है 0.01 जी, टेंशन की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट है, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि इसकी जो थिकनेस है वो आपको दे रहा है dx 0.3 mm, ये रही, तो dx इज इक्वल टू 0.3 × 10⁻¹⁰ कर लेते हैं, या चलो kg गिवन है तो कोई बात नहीं, इसको -3 कर लेते हैं मीटर ऐसे, क्योंकि एरिया भी मीटर स्क्वायर है तो इसको भी मीटर में कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, वो ये कह रहा है कि जो ब्लॉक है वो मूव कर रहा है विद अ वेलोसिटी ऑफ 0.085 मीटर पर सेकेंड। अब ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ब्लॉक मूव कर रहा है विद अ वेलोसिटी ऑफ 0.085 मीटर पर सेकेंड, ये चाहेगा कि लिक्विड की ऊपर वाली लेयर भी सेम वेलोसिटी से मूव करे 0.085 मीटर पर सेकेंड, और वो मूव करने की कोशिश भी करेगी, लेकिन जो आखिरी लेयर का ये वाला पॉइंट है, ये वाला, इसकी वेलोसिटी क्या रहेगी जीरो, क्योंकि ये तो सरफेस के साथ है, और जो लेयर ग्राउंड के साथ होती है उसकी वेलोसिटी क्या रहती है जीरो, वो टॉप की लेयर है वो नीचे की लेयर है, तो इसमें अपर और लोअर की वेलोसिटी का डिफरेंस क्या आएगा वी माइनस जीरो, तो डीवी की वैल्यू आएगी 0.085 - 0, तो बेसिकली ऊपर की और नीचे की लेयर का डिफरेंस डीवी है, और डीवी की वैल्यू आपके पास आ गई, डीवी आ गया डीएक्स आ गया। अब एक बात बताओ, ये पूरा सिस्टम आगे मूव कर रहा है और भी तो कांस्टेंट वेलोसिटी कर रहा है, और अगर इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट एक्सेलरेशन जीरो जीरो है, तो इसके अंदर क्या डेवलप हो गई फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किसके इक्वल होने वाली है टी के, क्योंकि एक्सेलरेशन तो है नहीं, फ्रिक्शन अपोजिंग फोर्स है, तो बेसिकली क्या होगा टी और एफ की वैल्यू यहां पे क्या होगी सेम, और एफ की वैल्यू का मैग्नीट्यूड क्या होता है ईटा ए डीवी डिवाइडेड बाय डीएक्स, तो आप फोर्स की जगह टेंशन पुट करेंगे 0.01 जी, ये लो ईटा आपको निकालना है, एरिया 0.10 है, डीवी की वैल्यू 0.085 है, और डिस्टेंस आपको 0.3 mm गिवन है। यहां से सॉल्व करके जो आंसर आएगा उसके यूनिट क्या होंगे डेकापॉइस, क्योंकि मैं इसमें एसआई में काम कर रहा हूं तो डेकापॉइस में निकाल देना, ईटा के यूनिट्स है, सॉरी ठीक ठीक लिख रहा हूं, डेकापॉइस, ठीक है।
क्योंकि या पॉइस है या टेका पॉइस है, ऐसा है तो टेका पॉइस ही होगा, ठीक है। पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक कि क्या लॉजिक है? देखो बहुत पतली लेयर है, इतनी पतली लेयर है कि वो डी एक्स पॉइंट थ्री एम एम, पॉइंट थ्री एम एम तो वैसे ही बहुत, 1 mm बहुत छोटा है, 0.3 mm तो और भी छोटा है, तो ये डी एक्स है। तो मैं कह रहा था कि ऊपर की जो लेयर है वो ब्लॉक के साथ मूव कर रही है, तो वो ब्लॉक के साथ वेलोसिटी एक्वायर कर लेगी 0.085, और नीचे वाली मूव नहीं कर पाएगी क्योंकि वो ग्राउंड के साथ है। और एक स्टूडेंट पूछा था कि अगर नीचे वाली मूव करे तो मैंने कहा वो क्वेश्चन पक्का गिवन होगी, नीचे वाली लेयर की वेलोसिटी भी देगा, और अगर नहीं देगा तो ग्राउंड के साथ वाली वेलोसिटी को क्या लेंगे, जीरो। तरीका ही नहीं हो कोई, दे देगा तो ले लेंगे, नहीं देगा तो जीरो कर लेंगे। तो यहाँ से फिर वी माइनस जीरो आपके पास डी वी आ जाएगा। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि कैसे लगाना है इस क्वेश्चन को और कैसे समझना है इन टाइप की प्रॉब्लम्स को, ठीक है यहाँ तक? ठीक है, दो लेयर्स के बीच में, ये लेयर ही बहुत छोटी है ना, दो ही ले ली ना, एक ऊपर वाली एक नीचे वाली, क्लोजिंग, हाँ लेयर है ही 0.3 mm है ही, बहुत छोटा ना, हाँ थिकनेस डी एक्स ले ली पूरी। तो इस टाइप के क्वेश्चन में फिल्म की थिकनेस डी एक्स ले लेनी है, जो कि वेरी वेरी स्मॉल है, ठीक। नेक्स्ट, इसके अंदर कंपेरिजन बिटवीन विस्कस फोर्स एंड सॉलिड फ्रिक्शन। अब एक हमने फ्रिक्शनल फोर्स सॉलिड की कर ली, एक हमने अब लिक्विड की भी आज कर ली, क्या डिफरेंस है? नंबर वन, बोथ विस्कस फोर्स, हाँ लिक्विड की फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं बोलते, विस्कस फोर्स बोलते हैं। तो इसलिए बार बार वो विस्कस फोर्स बोल रहा है क्योंकि लिक्विड की फ्रिक्शन इज विस्कस फोर्स। विस्कस फोर्स और सॉलिड फ्रिक्शन क्या कब अपना रोल प्ले करते हैं? व्हेन देयर इज सम रिलेटिव मोशन। सॉलिड फ्रिक्शन भी ऐसे ही था, ब्लॉक मूव करता है, ग्राउंड मूव नहीं करता तो फ्रिक्शन हो जाती है। नंबर टू है, दोनों के दोनों मोशन को अपोज करते हैं। और नंबर तीन है, ये दोनों के दोनों क्यों एग्जिस्ट करती हैं फ्रिक्शंस? बिकॉज ऑफ मॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस। और अगर डिफरेंस की बात करते हैं तो विस्कस फोर्स लिक्विड की फ्रिक्शन में क्या है, विस्कस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ लेयर। तो एरिया ऑफ लेयर, ठीक है, तो विस्कस फोर्स जो है वो एरिया ऑफ लेयर पे डिपेंडेंट है, ठीक, जबकि सॉलिड फ्रिक्शन एरिया पे डिपेंडेंट नहीं थी। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन टू लिक्विड लेयर, डी वी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी, वो नॉर्मल रिएक्शन पे डिपेंडेंट है और वो वेलोसिटी पे डिपेंडेंट नहीं है। नेक्स्ट है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन, इसमें नॉर्मल रिएक्शन आता ही नहीं है और इसके अंदर ये नॉर्मल रिएक्शन आता है। तो ये इनके मेजर मेजर डिफरेंसेज हैं अगर कोई पूछ ले तो।